सो व्हाट्सअप यूट्यूब में आ चुका एक और फ्रेश बिंदास सी वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ कि मेरे पीसी में क्या क्या सेटिंग्स कर रखी है और क्या क्या मेरे उसमें क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी है गेम के अंदर, ब्लूस्टैक्स के अंदर, सबकी मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। ये तो आपको कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे कोई इशू होगा नहीं क्योंकि मैं सारी सेंसिटिविटी आपको साफ साफ दिखा दूंगा। और पहले ही बता दूँ, जो सेंसिटिविटी है हर किसी के ऊपर काम नहीं करेगी, किसी को सेंसिटिविटी ज़्यादा लगेगी तो किसी को कम लगेगी, तो सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। बाद में ये मत बोलना कि हेड नहीं पड़ रही, ये नहीं पड़ रहा, मेरे को पूरी प्रैक्टिस है एक्यूरेसी के साथ, इसलिए मेरे हेड पड़ते हैं। तो आपको ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करनी है तभी आपके हेड पड़ेंगे, वरना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्यूरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा तभी हेड पड़ेंगे। तो हम चलते हैं सीधा सेटिंग्स के ऊपर, मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ अपनी ब्लूस्टैक्स की। तो सबसे पहले ब्लूस्टैक्स पे की मैपिंग दिखा देता हूँ आपको कि की मैपिंग छोड़ो, पहले डायरेक्ट आप देख लो स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में ये मेरा डिस्प्ले है, मेरा मैक्स हो रखा है और DPI 160 है मेरी, आप अपने हिसाब से रख लेना, मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। और DPI मेरी 160 क्योंकि सबसे जितनी कम DPI होती है ना उतना सबसे सही मूवमेंट रहता है, ये समझ लेना, ठीक है। तो इंजन पे जाते हैं, अब इंजन पे चलने के बाद मेरी जो ग्राफिक इंजन है वो परफॉर्मेंस पे है और ग्राफिक रेंडरिंग मेरी ओपन GL पे हो रखी है। GPU सेटिंग मेरी प्रेफर्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो कि मेरे पास 1660 सुपर अच्छा ग्राफिक कार्ड है, इसलिए ASTC टेक्सचर बेटा मेरे पास है। हार्डवेयर डिकोडिंग आप डिसेबल भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर PC स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद परफॉर्मेंस पे जाके हाई 4 कोर्स का मेरा CPU पे मैंने सेट कर रखा है और RAM मेरी 4000 रख सकते हो आप, लेकिन मैं 4000 से थोड़ी कम रखता हूँ, पता नहीं क्यों बट अच्छा लगता है, 4000 से कम रखता हूँ ना तो ठीक रहता है। फ्रेम रेट मेरा 240 मैंने हाई कर रखा है, नीचे जो फ्रेम रेट है ना उस पर हाई क्या बोलते हैं उसको, एनेबल हाई फ्रेम रेट्स और डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, ये ऑन रखना मेरे को सही रहता है, नीचे लिखा आता है 90 FPS इसलिए मैं हाई रखता हूँ। उसके बाद ABI सेटिंग्स ऑटो पे कर देना, डिपेंड ऑन यू, ARM भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन सारी ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। फिर प्रेफरेंसेस पे जाके बस आपको शो विजुअल फीडबैक टैब्स जो होते हैं, जो आप बोलते हो ना वाइट वाइट गोल सर्कल आ रहे हो कैसे ऑन करो, तो ये वही ऐसे ही ऑन करते हैं, इससे फ्रेम रेट्स अच्छे आते हैं। तो एडवांस सेटिंग पे जाके आपका ASUS ROG 2 जो आपका एयरटेल है वो आपको अपने हिसाब से रखना है। शॉर्टकट कीज कोई होगी नहीं, गेम सेटिंग्स कोई होगी नहीं। अबाउट पे जाके जो है आपका चेक फॉर अपडेट्स देख लो, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ लेटेस्ट है, ताज़ा ताज़ा माल है बिल्कुल। अब चलते हैं की मैपिंग की तरफ, की मैपिंग भी दिखा देता हूँ डायरेक्ट, की मैपिंग देख लोगे, मेरी की मैपिंग थोड़ी अलग है, नए प्लेयर को हेल्प मिलेगी, मेरी की मैपिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, तो आप देख लो की मैपिंग नेक्स्ट लेवल है। और ये X बटन जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में ये मेरे Logitech में जो साइड में बटन आते हैं एक्स्ट्रा, ये वो है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, TY जितना भी है, Q कैप्स लॉक, मैं मेरा जो WASD नहीं है आप मूवमेंट के लिए, Q कैप्स लॉक AS है, ठीक है। तो ये मेरे सेटिंग्स है, X 77.22, Y मेरी 57.24, माउस सेंसिटिविटी X की 1.806, अगर आपको स्क्रीन पे सही से नहीं दिख रहा होगा तो वैसे दिख रहा होगा, माउस सेंसिटिविटी 6 कर रखी है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ट्विक्स मेरे 16450 है, डिफ़ॉल्ट ट्विक्स होते हैं, 2 पे ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं लेकिन 2 आप लोगों से कंट्रोल नहीं होगा, मेरे से भी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बार मैं माउस लॉक अनलॉक करता हूँ तो सेंसिटिविटी पूरी हिल जाती है, इसलिए मेरे से वो कंट्रोल नहीं हो रहा अभी। गेम पैड सेंसिटिविटी जो है 1 रख लो, क्योंकि गेम पैड आपके पास होगा नहीं, वो वाला मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं एक्शन पोजीशन XY, ये है जो फायर बटन जो फायर होता है ना उसकी सेंसिटिविटी है, तो 75.27 और 89.8, सेंसिटिविटी नहीं है मतलब बेसिकली ये पोजीशनिंग है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट मत करना, तो मैंने जो कर रखा है वही सेट कर लो, सबसे स्टेबल है ये, ज़्यादातर यूट्यूबर वहीं रखते हैं और मेरा भी यहीं पर ही है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, सेव कर लो। क्रॉस करके मैं आपको अपनी इन गेम सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, तो इन गेम सेंसिटिविटी मेरी है सारी 0 है, मतलब जनरल 0, रेड डॉट 0, और जो 2x है मेरा वो 100 है, 4x 100, स्नाइपर 7, मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल 7 पे ही रहता है स्नाइपर, कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी आप एक दो आगे पीछे करके देख लेना, हो सकता है आपको अपनी सेंसिटिविटी परफेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं माउस की सेटिंग्स की तरफ, मेरा जो माउस की DPI है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास Logitech 502 हीरो है, कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, Logitech G Hub 502 हीरो,
तो आपको मैं उसकी DPI दिखा देता हूँ। तो मेरी DPI है 1300, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट मत करना इसको भी, जो मेरी सेंसिटिविटी है तो उसी के हिसाब से 1300 एडजस्ट करना। और जो मेरी वाई एक्सिस है ना, मैं उसको छेड़ता रहता हूँ, अभी मैं आपको छेड़ के ही दिखाऊँगा दोबारा से। तो ये मेरी सेंसिटिविटी है बिल्कुल 1300 DPI। और जो नीचे का रिपोर्ट रेट है ना, आप अगर आपका हाई एंड पीसी है तो 1000 रखना, और अगर लो एंड पीसी है तो 500-250 रखना। उस हिसाब से अगर आप लो एंड पीसी और 1000 रखोगे ना, तो आपका जो माउस की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आपको लैगी लगेगी, समझ रहे हो। तो बस उसी के लिए अगर हाई एंड है तो ही 1000 रखना, अगर लो एंड है तो 500-250 रख सकते हो। मतलब छेड़ते रहना, पता चल जाएगा कहाँ पे अच्छा माउस चल रहा है, कहाँ पे लैग नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे को तो 1000 पे बिल्कुल इशू नहीं होता, बिल्कुल नो इशू, एकदम मस्त चलती है AWM भी और सारी गन भी, इसलिए मैं उस पर रखता हूँ। अब चलते हैं माउस सेटिंग्स के ऊपर। तो माउस सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेरा कर्सर स्पीड है मैंने 10 कर रखी है, बिल्कुल मिडल पे है। और अब चलते हैं एडिशनल माउस ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ये डबल क्लिक ये वाला स्पीड वाला, इसको छोड़ दो, वैसे रख सकते हो मेरी तरह, पता नहीं किस काम के लिए आता है। आई थिंक सो ये गेम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैंने फिर भी रख रखा है। आप गिन के रख लो जो भी आपके हिसाब से स्लो फास्ट, मेरे हिसाब से तो ये काम करेगा नहीं कुछ। अब मेन तो पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर ही आता है, तो हम वहीं पर चलते हैं सीधा पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर। तो पॉइंटर ऑप्शन पर चलते हैं, और यहाँ पर सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड जो है ये मेरे पीछे से 6 काउंट करके लगा रखी है। तो आप काउंट करके रख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है ना, तो इसके हिसाब से रखना। और नीचे जो एनहेंस पॉइंटर प्रिसिशन जो भी है यार, जो एनहेंस पॉइंटर है इसको ऑफ कर देना, क्योंकि ये जो होती है एक्सेलरेशन के लिए होती है। तो समझ लो अब इससे एक्सेलरेशन, माउस एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ऑफ ही रखना बेटर रहेगा। तो अब चलते हैं कंट्रोल पैनल्स की तरफ। तो वहाँ पे भी एक माउस की सेटिंग्स होती है जो मेन होती है। तो ईज़ ऑफ यूज़ पे जाकर यहाँ पे होता है चेंज योर माउस क्लिक्स। तो यहाँ पर जाके आपको सेटअप माउस की पे जाना है, और यहाँ पे जो आपको टॉप स्पीड रखनी है वो बिल्कुल लो रखनी है, एकदम लो। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है इंप्रूव होती है, इसलिए मैं इसको लो रखता हूँ। और जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल मिडल में रखता हूँ, कोई इशू नहीं होता मुझे, कोई इशू नहीं होता। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल मिडल में रखना, और जो टॉप स्पीड है बिल्कुल कम रखना। और इससे ना जो आपका क्या बोलते हैं उसको एक्यूरेसी होगी ना अत लेवल, एकदम मस्त सी हो जाएगी, आपको खुद ही पता चलेगा। सो जितनी भी वीडियो थी, मतलब जितना भी अभी तक वीडियो में बताया है, तो मेन सब यही था। और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं कि हेडशॉट नहीं लग रहे, या फिर कोई दिक्कत आती है, वैसे तो सबसे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद लगेंगे बहुत प्यारे हेडशॉट लगेंगे, मेरे भी लगते हैं, वन टैप सब कुछ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये है कि मैंने बोला था कि सारे DM एक्सेप्ट करेंगे, करूँगा मैं जो भी आप इंस्टा पे करोगे, लेकिन इंस्टा पे मेरे को DM क्या आ रहे हैं कि मेरे को फ्रेंड लिस्ट में ले लो, ये कर लो, वो कर लो। यार फ्रेंड लिस्ट मेरी फुल हो चुकी है पूरे, देखो रोज़ इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाली करी है, फिर भर गई है ये भाई, क्या समझो यार अब बात को, मैं कैसे सबकी रिक्वेस्ट ले सकता हूँ। फ्री फायर ने मेरे को कोई अनलिमिटेड तो दे नहीं रखी कि मैं सबकी रिक्वेस्ट ले लूं, गिल्ड वाले मेंबर्स की भी रिक्वेस्ट नहीं ले रखी, तो उसके बाद भी इतना सारा फुल हो गया है, क्या कर सकता हूँ, आप समझो थोड़ा मेरे को। और कोई क्वेरी होती है ना तो वो पूछो, मैं उसका पक्का जवाब दूंगा। काफ़ी लोगों का जवाब भी दिया है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि मैंने तुम्हारा जवाब दिया है कि नहीं दिया, तो ज़रूर बताना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।